नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ नवरात्रों में अष्टमी और नौमी के दिन जो प्रसाद बनता है उसकी रेसिपी। इसमें हम हलवा, पूरी और चने बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या-क्या सामग्री लगेगी। तो सबसे पहले हम ये चना ले लेंगे। ये चना 2 कप है। इसे मैंने धो के अच्छे तरीके से फिर इसे पानी भर के इसमें रख दिया है। ओवरनाइट रखिए इसे तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। अगर आप ओवरनाइट ना रख सके तो चनों को अच्छे से धो के आप कैसरोल में रख दीजिए और पानी को जो इसके अंदर पानी डालेंगे वो आप अच्छे से गर्म कर लीजिए, एक बॉयल ला दीजिए उसमें, और तब उसे कैसरोल के अंदर बंद करके रख दीजिए। आपके चने 1 घंटे के अंदर ही फूल जाएंगे। ये देखिए, ये चने हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसे कुकर में चढ़ा देंगे सीटी लगने के लिए। तो कुकर में हम चने डाल देंगे और चने के साथ आप पानी भी डाल दीजिए, जो भीगे थे चने जिसमें, वो पानी भी आप इसी में डाल दीजिए। तो पूरा पानी मिला के हमें इसमें डालना है 5 कप पानी, क्योंकि हमने चने जब लिए थे वो थे 2 कप, तो इसमें हम 5 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसमें हम 4 सीटी लगाएंगे। एक सीटी हम लगाएंगे तेज आँच में और बाकी की 3 सीटी हम लगाएंगे एकदम आँच को धीमे करके। तो 1 सीटी अब बज चुकी है। अब 3 सीटी हम एकदम फ्लेम धीरे कर देंगे और उसमें बजने देंगे। 3 सीटी भी लग चुकी है और साथ में कुकर की प्रेशर हट चुका है अपने आप ही। और अब हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए, चने पक चुके हैं अच्छे से, एकदम फूल चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे पकाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर है, इसे बारीक काट लीजिए। धनिया लिया है मैंने 1 बंच, नमक लिया है स्वाद अनुसार, हल्दी ली है आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर भी आधी छोटी चम्मच, ये धनिया पाउडर है ये मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं, और घर का पिसा हुआ धनिया हो तो बहुत ही अच्छा है। ये जीरा है 1 चम्मच, हरी मिर्ची है 3 से 4, तेल लिया है पकाने के लिए। तो चलिए अब ऐसे बनाते हैं। अब गैस ऑन करके इसमें हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई के गर्म होने का वेट करेंगे। हल्का सा गर्म हो जाए फिर से इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम इसमें 4 बड़े चम्मच डाल रहे हैं। अब इस ऑयल का गर्म होने का वेट करेंगे। अब ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरा को हल्का सा भूनने देंगे जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। ये देखिए, जीरा भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर को आप अच्छे से पका लीजिए, अच्छे से इसे हिलाते रहिए और पकाते रहिए जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। अब हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। टमाटर थोड़े थोड़े गल चुके हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। इसमें अब हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे और ये जो धनिया पाउडर रखा था ये भी डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे लगभग 1 मिनट तक। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम चने डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसके बाद इसे पकाते रहेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी सूख ना जाए। ये देखिए, अब ये पक चुका है और इसका एकदम पानी सूख गया है और हर तेल अलग दिखने लगा है। तो बस हमें इतना ही पकाना है। अब इसमें हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देंगे, उससे बहुत अच्छा लगता है। अब हम हलवा बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए सूजी 1 कटोरी, चीनी आधी कटोरी, ये इलायची है, इसके दाने निकाल लिए हैं, ये सूखा हुआ नारियल है, सूखा नारियल जिसको कद्दूकस कर लिया है, ये किशमिश है, मैंने 15-20 किशमिश लिए हैं, तेल लिया है बनाने के लिए या घी ले सकते हैं आप चाहे तो, इसमें काजू बादाम भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हलवा शुरू करते हैं बनाना। तो गैस ऑन करके हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन के गर्म होते ही इसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने इसमें, लगभग आधा कप। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। गर्म होते ही इसमें हम सूजी डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम कर लीजिए, ज़्यादा तेज़ फ्लेम में मत पकाइए वरना ये जल जाती हैं। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, ब्राउन हो चुका है, बस हमें इतना ही पकाना है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए। तो ये हमने पानी डाल दिया है इसमें। तो पानी मैंने इसमें डाला है 2 कटोरी, 1 कटोरी सूजी लिया था तो उसमें मैंने 2 कटोरी पानी डाला है, ये चीनी डाला है और इसी के साथ इलायची के बीज भी डाल दीजिए। अगर इलायची पाउडर डाल रहे हैं तो वो भी आप इसी समय डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक कि चीनी घुल ना जाए।
ये देखिए चीनी घुल चुकी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये नारियल और किशमिश, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि इसे अपना हल्का सा ये देखिए तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये देखिए तेल छोड़ चुका है इसने और हमारा हलवा बनके तैयार है। अब हम पूड़ी बनाते हैं। पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो इसमें हम 2 कप आटा लिया है मैंने। इसमें मैंने 3 चम्मच सूजी डाली है और 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले इस तरीके से। अब हम इसे गूंदेंगे। गूंदने के लिए पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ थोड़ा ज़्यादा पानी मत डालिए जिससे कि ये गीला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए गूंद लीजिए। और पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट गूंदना चाहिए, उसे सॉफ्ट नहीं गूंदना चाहिए। एकदम रोटी बनाते समय हम जैसे आटा गूंदते हैं वैसा नहीं गूंदना चाहिए, थोड़ा सा टाइट आटा गूंदना चाहिए। ये आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। अब हम इसे कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। अब गैस ऑन करके हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें तेल डालेंगे गर्म होने के लिए। अब पूड़ी की लोई बनाएंगे। तो लोई हमें इस तरीके से बनाना है, गोल गोल छोटी छोटी लोई बनाना है। और इसमें हम आटा सूखा नहीं लगाएंगे, तेल लगाएंगे। तो तेल हल्का सा लगा के इसे इस तरीके से बेल लीजिए। बेलते समय ध्यान दीजिए कि हमें चारों तरफ से हल्का हल्का सा इसे बेलते रहना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ बीच से ये पतला हो जाए और साइड साइड से मोटा रह जाए। अब हम तेल चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप छोटा सा ये देखिए आटा तेल में डाल के देखिए, अगर ये ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब कि तेल आपका गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पूड़ी डाल लेते हैं। पूड़ी को तेल में डालते ही आप इसे हल्का हल्का सा इस तरीके से दबाते रहिए और फिर ये तभी फूलेगी। और जैसी फूल जाती है इसे आप पलटा दीजिए और तब भी हल्के हाथों से थोड़ा तेल में इसको दबाते रहिए कि अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए। अब इसी तरीके से आप बाकी की पूड़ियों को भी तल लीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रसाद बनके तैयार हो चुका है। इस बार आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई करिएगा। आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी नए वीडियो पर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।